नरेटिव आर्ट में नरेशन अलग हो गया, मास्टर शॉट अलग हो गया, आर्ट आया, कुमार शानी का आर्ट आया, वो ब्रेसों के डिसाइपल है, वो ब्रेसों के साथ पूरी एक फिल्म के शूट में रहे हैं, वहाँ से वो सीख के आए थे, उनके अलग हुआ, लेकिन है तो वो नरेटिव आर्ट ही ना, वो क्लासिक सिनेमा या पोएटिक सिनेमा नहीं बन पाया। ये सिनेमा की फिल्म स्टडीज करने का एक नया ढंग आज हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि हमसे पहले भी जिन्होंने बोला होगा निश्चित रूप से अच्छा बोला होगा व्हाट इज सिनेमा, मेरे बाद भी अप्रैल तक जो लोग बोलेंगे वो लोग भी विद्वान हैं, लेकिन हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव तो नहीं बोलेंगे, हम एक प्रोफाउंड सिंप्लिसिटी के साथ आ जाए हैं जिसमें परसेप्शन की हम बात कर रहे हैं। परसेप्शन या जहाँ पर माइंड नहीं है, परसेप्शन जहाँ पर कविता और छंद है, परसेप्शन जहाँ पर रिदम है। अगर रिदम एक बार फिल्म बनाने में इस्टेब्लिश हो गया तो पूरी फिल्म इफेक्टिव होगी, अगर रिदम ही नहीं बनेगा तो आपका सारा स्क्रीन प्ले, सारी एक्टिंग, सारा शूट बेकार जाएगा। इसलिए हम लोग के यहाँ नाट्यशास्त्र में जाना पड़ता है, जहाँ पे रस थ्योरी बताई गई है कि रस या इफेक्ट वो चीज़ होता है जो ऑडियंस को ट्रांसेंड कर दे, वो जिस मेंटल स्टेट में है उससे बियॉन्ड उसको ले जाए। तो पहले तो वो एंगेज करेगा ना, तो आप एंगेज करने के लिए क्या करेंगे, कुछ ऐसे शॉट्स दिखाएंगे, अचानक ऐसी एडिटिंग दिखाएंगे कि 5 सेकेंड या 20 सेकेंड के अंदर 60 शॉट निकल गए। जैसे आप एक बर्फी का गाना देखेंगे जिसमें वो रणबीर कपूर शायद साइकिल चला रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, और उसमें पूरा गाना है, उसमें आप देखिएगा कई बार 15 सेकेंड में 80 शॉट्स हैं, क्योंकि इतने 1000 करोड़ की फिल्म बनानी है, वो प्रोडक्शन को दिखाना है कितना खर्चा किए हैं, लेकिन एक भी इमेज रजिस्टर ही नहीं हो रही ऑडियंस को, है ना। अब इसका उल्टा है कि पौथेर पाचारी अपू में दूर तक वो दोनों भाई बहन देखते हैं, दुर्गा और अपू, ट्रेन चली जा रही है, पहली बार ट्रेन देखते हैं वो लोग, जो काश फूल के मतलब पेड़ के पीछे से छुप के। अब वहाँ पर पता चलता है लोग हंसी उड़ाते थे कि भाई आर्ट फिल्म में तो कोई लड़का आ रहा है तो चली रहा है तो सती दीर्घ का सिनेमा हो गया, ऐसे हंसी उड़ाते थे। बर्गमैन में आप देखिएगा तो ये बात ही नहीं है। बर्गमैन में दो कैरेक्टर बीबी एंडरसन और लिव वुलमैन परसोना में दो महिलाएं बात कर रही हैं, एक बोल रही है एक चुप है, एक थिएटर की एक्ट्रेस रही है जो अचानक से चुप हो गई है, जिसका ट्रीटमेंट करने के लिए दूसरी नर्स उसको वहाँ लाई है दूसरी जगह पर, फिर से बता रहे हैं वो एक खास जगह पर वो उसको लाती ट्रीटमेंट के लिए, दैट इज मेजॉन सी, जहाँ पर लोकेशन, एटमॉस्फेयर, कॉन्शियसनेस ऑफ एटमॉस्फेयर, परिवेश चेतना, साउंड, लाइट सब डिफर कर रहा है। तो लोकेल ही हमेशा मेजॉन सी नहीं होता है। मेजॉन सीन का मतलब है आप अपनी आइडिया को, जो बात कहना चाहते हैं, जो पोएट है वो उसको किस जगह पर, किस जगह तक ले आता है। अदरवाइज मुझे वो जो पहला वाला खंडर आप देखते हैं अभी पद्म कौमुदी में, पहले ही बहुत बड़ा सा खंडर दिखाया है जो अभी तक किसी फिल्म का इमेज नहीं बना है, उसको हम लेने गए थे पुणे से आगे अहमदनगर, वहाँ पर उसके हर तरफ हम उसको क्यों दिखा रहे हैं, हम तो ठुमरी गायिका पर फिल्म बना रहे हैं ना, तो हम मेजॉन सीन ऐसा क्यों बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बनारस में वो रहती थी, उनके 100 कमरे की कोठी थी और वो क्लासिकल म्यूजिक के सिंगर थी, क्लासिकल और सेमी क्लासिकल जैसा कुछ होता नहीं है, आप जब ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी गाते हैं तो आप क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, ठीक है। लेकिन उसमें, और हम सब लोग इन जनरल जानते हैं कि 7 सुर होते हैं, ठीक है, आप भी यही जानती होंगी, लेकिन 7 सुर से कोई भी व्यक्ति क्लासिकल म्यूजिक नहीं गा सकता। इन पर्टिकुलर कुल 36 सुर होते हैं, 36 सुर को जाने बगैर, 36 सुर को समझे बगैर, 36 सुरों को गले में अभ्यास किए बगैर भारत का या विश्व का कोई भी वोकलिस्ट कोई क्लासिकल राग नहीं गा सकता, क्योंकि 7 सुर होते हैं, सारेगामा पधनी, षड् ऋषभ, गांधार मध्यम और धैवत और निषाद, ये 7 सुर में भी कोमल और तीव्र होते हैं, ठीक है। जैसे कि सप्त शुद्ध स्वर हैं, षड् और पंचम को छोड़ दें तो ऋषभ शुद्ध है, एक कोमल भी लगता है कोमल ऋषभ, गा गांधार है तो शुद्ध है, दूसरा कोमल गांधार भी लगता है, मध्यम शुद्ध है तो उसका तीव्र भी लगता है, तीव्र मध्यम, एक और, ये 3 जुड़ गए, धैवत भी शुद्ध है तो कोमल भी लगता है, 4 जुड़ गए, फिर निषाद शुद्ध भी होता है कोमल भी लगता है, 5 जुड़ गए, ठीक है। आप देखिएगा 7 और 5 12 सुर हो गए, शुद्ध षड्, शुद्ध और कोमल ऋषभ, शुद्ध और कोमल गांधार, शुद्ध और तीव्र मध्यम पंचम, शुद्ध और कोमल धैवत, शुद्ध और कोमल निषाद, सारेगामा पधनी, ये 12 हो गए, 7 से 12 हुआ। अब जो है हमारी स्केल होते हैं, मध्य,
मध्य से पहले मंद्र और फिर तार, उसमें फिर बारह 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 होते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ मंद्र षट जो होता है, गले में इसका स्केल है वो आपको जानना ही होगा, सीखना ही होगा। पहले मंद्र के बारह, फिर मध्य के बारह, फिर तार के बारह, बारह तीन छत्तीस, छत्तीस सुर होते हैं। तो छत्तीस सुर के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके असंख्य राग बनते ही रहते हैं। रविशंकर जी राग बना रहे हैं, अफजली खान साहब राग बना रहे हैं, परवीन सुल्ताना जी बगा, वो तो बल्कि 3.5 सप्तक में गा रही हैं। तो जो राग के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 36 सुरों को और बनाते चले जाना असंख्य हो गया ना। तो अगर कौमुदी बहन मुंशी 100 कमरों की कोठी में रहती थी तो हम उसी का रेप्लिका एक बना सकते, खंडहर हो चुका है, ठीक है। और उसमें जितने भी हमने दरवाजे झरोखे खिड़कियाँ दिखाई हैं वो सुरों के हैं, और अपने गुरु के सुरों को उनकी जो डिसाइपल हैं वो खोज रही हैं, सुरों के जरिए अपने गुरु को खोज रही हैं। ये वहाँ पर मिजान सिंह है। मिजान सिंह को समझाने के लिए पहले फिल्म दिखानी पड़ी, फिर उसको इंटरप्रेट करना पड़ा, क्लासिक सिनेमा के बारे में बताना पड़ा, मिजान सिंह बताना पड़ा कि ये अलेक्जेंडर ड्यूमा ने किया है, किसी फिल्म मेकर ने नहीं किया है। और मिजान सिंह के साथ हमें मिजान अबीम को भी जानना पड़ा, और सिनेमाटोग्राफी को तो जानना ही पड़ा, कैसे वो फोटोग्राफी के आगे की चीज़ है, उसको सरिलिज्म भी जानना पड़ा हमें। इतनी सारी चीज़ें जाननी पड़ी कि सिर्फ सिनेमा जो कि कॉम्पोजिट आर्ट है उसमें हमको पेंटिंग भी जानना है, लिटरेचर भी जानना है, पोइट्री भी जानना है, रिदम भी जानना है, लाइट भी जानना है, कैमरा एंगल्स भी जानने हैं, और न जाने क्या क्या चीज़ जानना है, पूरा लाइफ को जानना है। सबसे पहले हमें अपने आप को जानना है, जो कि माइंड हमें नहीं बताएगा, माइंड डिक्टेट नहीं करेगा, हमारा हार्ट हमें ले जाएगा, उस पोइट को सामने लाएगा जो सिनेमा माध्यम में अपने आप को एक्सप्रेस करने जा रहा है। राइट, आई वाज सेइंग दैट जैसे हम पढ़ते हैं कि कुछ रस की जब उत्पत्ति होती है, तुम एंगेज करते हो किसी, लेट्स से तुम एक फिल्म देख रहे हो, तो हाँ, उस फिल्म के थ्रू तुम्हारे अंदर सर्टेन इमोशंस आएंगे जी, डिपेंडिंग ऑन किस फिल्म का रस के, हाँ, वो रस की उत्पत्ति होगी जी। तो ये रस की तो जो उत्पत्ति होती है, द वे इट हैपेंस versus the way it happens in commercial cinema, जो कि that is more, that's closer to reality. जी, इसमें key difference क्या होगा, क्योंकि रस की उत्पत्ति तो दोनों में हो रही है। हाँ, रस की उत्पत्ति दोनों में हो रही है, मतलब रस की उत्पत्ति दोनों में, दो कहाँ से आया? duality तो mind create करता है, रस तो एक unity है। no, दोनों में माने? I'm saying classic cinema में जैसे होती है, as compared to commercial cinema में जैसे होती है, उसमें की difference क्या होगा? हाँ, पहली बात ये सोचिए कि सबसे पहले रस होता है, रस truth होता है। तो पोएट यानी जो प्लेराइट है, नाटककार है, नाटक में वो विजुअल पोएट्री बनाया जा रहा है, काव्य, दृश्य काव्य। हमारे भारतवर्ष में गद्य नहीं होता था, रिपोर्टाज नहीं होता था, नॉवेल नहीं होता था, सब कुछ काव्य होता था। जैसे हमारे इंडियन पोएटिक्स कहा गया है, काव्यशास्त्र कहा गया है, अलंकार शास्त्र कहा गया, छंद शास्त्र कहा गया है, गद्य नहीं आता था, साहित्य शब्द नहीं था, है ना, काव्य था। अब काव्य से रस निष्पत्ति हो रही, उत्पत्ति होती है, ये लीनियर पर्सपेक्टिव है। काव्य से पहले रस है, वही एक्चुअली काव्य है, ये इन्वर्टेड पर्सपेक्टिव है, क्योंकि वो पहले जहां से आ रहा है वो डेट इज ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, जब हम माइंड को कुछ देर के लिए पैरालाइज कर दे रहे हैं वहां से रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज रस। जब हम उसको इंटेलेक्चुअली समझ के लोगों तक ले जा रहे हैं तो काव्य रचना कर रहे हैं, जहां से आया दैट इज पोएट्री और रस, पोएट्री और रस। अब जब हम नाटक लिख रहे हैं दैट इज विजुअल पोएट्री, जब हम फिल्म बना रहे हैं दैट इज विजुअल पोएट्री, क्लियर। तो जब वहां से आया ही नहीं, हमने रियलिटी रिप्रोड्यूस किया और कमर्शियल सिनेमा बनाया, तो रस है कहां? सिंपल, जब हम वहां से लिए, माइंड से लिए ही नहीं, माइंड यानी वर्ल्ड यानी रियलिटी यानी रिप्रोड्यूस्ड इन आर्ट, सिनेमा आर्ट, क्लियर, उसमें रस है ही नहीं। लेकिन जिसको हम रस कह रहे हैं, जो ट्रुथ है, वो जब रिवील हो रहा है थ्रू पोएट, थ्रू कालिदास, थ्रू गोएथे, थ्रू भास, थ्रू बर्गमैन, थ्रू तारकोस्की, थ्रू ब्रेसों, तब तो रस निष्पत्ति हो रही ना। तो रस उत्पत्ति और निष्पत्ति ये दो भाषा के लिए कहा जाता है, न ये उत्पत्ति होती है न निष्पत्ति होती है। रस को वहन जो करता है जो पोएट, जो एक्टर, स्टेज में तो एक्टर चाहिए, नो एक्टर नो थिएटर,
लेकिन सिनेमा में एक्टर नहीं चाहिए, हो सकता है एक बहती पत्ती बता देगी। या आप नॉस्टैल्जिया का देखिए, फोटोग्राफर खड़ा है ऊपर से किसी पंख, एक हल्का सा पंख उसके ऊपर से गिरा रहा है, पंख बता दे रहा है, नरेट कर दे रहा है सॉरी मूड को, एक्टर चाहिए ही नहीं है ना सिनेमा में। तो ये जो नरेशन है, कहने का ढंग है, एक चिड़िया के पंख के द्वारा या एक पानी में कोई चीज बहता हुआ चला जा रहा है और पता चला उस पानी के अंदर ना जाने एक दूसरा वर्ल्ड आ गया हैरी पॉटर का, है ना। तो ये जो चीज़ है, या प्लेटफॉर्म नंबर 10.5 है जो भी है, कि उसके वहाँ भी कोई एक दुनिया है, या एलिस इन वंडरलैंड की आप देखिए, वो वंडरलैंड न जाने कहाँ से आ रहा है। तो पोइट का जो वंडरलैंड जब आता है, जो इमेजिनेशन से है, जहाँ थॉट नहीं है, माइंड नहीं है, जहाँ से आ रहा है वहाँ पर इमेजिनेशन इज क्रिएशन इज रस। तो रस तो कॉन्स्टेंट चल रहा है ना, इसलिए कविता जब कवि जब कविता अर्पण करता है तो वो अर्पण करता भी कवि है, अर्पण भी कविता है। मतलब जो करने वाला जो है फिल्म मेकर है, और जो फिल्म है पोएट और पोएट्री दोनों एक ही चीज़ हो गया। तो रस जो है उसको वो एम्बॉडीमेंट हो रहा है, कभी पोएट का, कभी एक्टर का, कभी सिनेमाटोग्राफिक इमेज का, और ऑडियंस का रस चला जा रहा है। इसको साधारणीकरण कहा गया नाटकशास्त्र में, दिस इज रस थ्योरी। हाँ, उसके लिए आप डिटरमिनेंट कॉन्सिक्वेंस को लाते हैं, यानी कि विभाव और व्यभिचारी भाव को। जब आप विभाव लाते हैं, व्यभिचारी भाव लाते हैं और अनुभाव लाते हैं, इसका संयोग रस की निष्पत्ति करता है। ये समझाने के लिए बताया गया है कि आप डिटरमिनेंट के यूज़ करें तो सिनेमा बनाने में जो फिल्म मेकर है, जो पोइट है, उसके लिए डिटरमिनेंट क्या होगा, विभाव क्या होगा, वो जो फॉर्मलेस है हमेशा। मैं आपको अभी कोई चीज़ बहुत ऐसा कुछ बोलूँ एरोगेंटली जिसे आप ऑफेंडेड हो जाएं, तो मैं तो विभाव हो गया, आपके चेहरे पर भाव आएगा। लेकिन कई बार थॉट भी हमारा विभाव होता है ना, हम आपसे बात कर रहे हैं, कोई किसी की याद आ गई और हम दुखी हो गए, तो हमारे चेहरे पर अनुभव आ गया, थॉट डिटरमिनेंट हो गए, हुआ। तो आउटर और इनर, और तीसरा डिटरमिनेंट भी होता है कि जब माइंड नहीं है, नो माइंड स्टेट में है, शांत हैं हम, शांत रस में हैं, और अचानक से ट्रिगर किया कुछ नई बात जिसको हम आइडिया कह रहे हैं, इसको ट्रूथ कह रहे हैं, ट्रूथ रिफ्लेक्ट किया, सडन फ्लैश ऑफ कॉन्शियसनेस, वो एक साउंड के रूप में हो सकता है, एक लाइट के रूप में हो सकता है, एक अल्फाबेट के रूप में हो सकता है, वर्ण, वो जो आया, दैट इज डिटर्मिनेंट एक्चुअली इन ट्रूएस्ट सेंस, इन द ट्रूएस्ट सेंस, वो डिटर्मिनेंट है फिल्म मेकर एक पोइट के लिए, और उसके आधार पर वो रिदम बनाता है फिल्म को एडिट करने का। क्योंकि जब वो पोइट फिल्म मेकर फिल्म बनाता है तो सिनेमाटोग्राफी से सिर्फ सिनेमाटोग्राफिक इमेजेस लेता है, उसको कोई स्क्रीन पे नहीं होता है, उसको राइटर नहीं चाहिए। क्योंकि जब जो पोइट फिल्म मेकर है, जब वो फिल्म बनाता है, उसका जो लिटरेचर है वो उस लिखे हुए लिटरेचर से भिन्न होता है। वो प्रेमचंद की सदगति और शतरंज के खिलाड़ी, मोहन राकेश और निर्मल वर्मा की जो कहानी उसकी रोटी और माया दर्पण, वो नहीं होता है। सिनेमा के लैंग्वेज में जो लिटरेचर बना, उसको जब लिखा जाएगा एक नया लिटरेचर होगा, जिसको ये लोग कह गए हैं, अभी तक किसी ने लिखा नहीं है। हम लोग स्क्रीन प्ले पढ़ते हैं, हम लोग सीगल जब सत्यजीत रे के स्क्रीन प्ले को, अभी कल मुझे दिखा रहा था नागरिक, और नागरिक जो ऋतु घटक की फिल्म है, उसका स्क्रीन प्ले ईरा भास्कर ने, जो कि आर्ट एंड एस्थेटिक्स में है JNU में, उन्होंने उसको किया, नागरिक पर किताब निकाली, पूरी स्क्रीन प्ले इंग्लिश में है। तो स्क्रीन प्ले को लिख देना, ये लिटरेचर नहीं हुआ सिनेमा का, क्योंकि वो भी इन लोगों से लिखवाया जाता है। सिनेमा जो बनती है जिस स्क्रीन प्ले पर, और जो स्क्रीन प्ले पब्लिश किया जाता है, दोनों में फ़र्क होता है। वो उसका रीडिंग मटेरियल बनाने के लिए उस ढंग से वो मॉडिफाई करते हैं फिर, है ना। लेकिन हम कुछ और बोल रहे हैं, सिनेमा लैंग्वेज में जो फिल्म बनी बिना स्क्रीन प्ले के, वो जो लिटरेचर बना उसको लिखा जाना, वो लिखा हुआ लिटरेचर है इन ब्लैक एंड वाइट, जो तारकोस्की ने भी कहा किया जाए, लेकिन अभी तक किसी ने किया नहीं है। ये एक नया काम हो सकता है, PhD हो सकती है इस पर। तो एक दूसरे तरह की फिल्म है, दूसरे तरह की जॉनरा की हम लोग तब से बात कर रहे हैं, तभी हम लोग मेजॉन सीन को समझ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग उसी कन्वेंशनल ढंग से ही समझते जाएंगे, भाई मेजॉन सीन ये होता है, तो फिर तो गूगल आपको अच्छा बता देगा, या कोई बुक अच्छा बता देगा। एक पर्सन की क्या ज़रूरत है जो इसी को 20-30 साल से रेगुलर लाइफ में अटेन कर रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, इसलिए वो दूसरे को कम्युनिकेट नहीं करने जा रहा है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। वो जो अटेन कर रहा है, उस अटेनमेंट को इतना वाइड कर दे रहा है कि दूसरों के लिए शेयरिंग हो जा रही है। तो इसको हम सबलिमिनल लव कह रहे हैं, हम जिसको महसूस कर रहे हैं, आप जान भी नहीं पा रहे हैं, आप तक वो पहुंच जा रहा है,
और आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ पोएटिक सिनेमा और क्लासिक सिनेमा. सर वन लास्ट क्वेश्चन. जी जी बोलिए. सर वेरी स्पेसिफिक जो फिल्म है स्पर्श नसीर सर एंड शबाना आजमी मैम की, उसमें एक सीन होता है जब वो सो नसीर सर्स कैरेक्टर इज अ प्रिंसिपल एट अ ब्लाइंड स्कूल एंड ही हिमसेल्फ इज ब्लाइंड सो ही कांट सी राइट, एंड वो उनको एक डॉक्टर के घर पे जाना है एंड वो किसी से पूछते हैं कि डॉक्टर घर कहाँ पे है और वो उनको बता देता है कि ऐसे सीधे जाके राइट चले जाना और पर ही कांट सी. और वहां पे शबाना आवाज में आपका जो कैरेक्टर है वो गाना गा रहा है, वो म्यूजिक तो होता है उसी म्यूजिक को सुनते हुए नसीर शाह उधर बढ़ते हैं. एग्जैक्टली. एंड फिर वो फर्स्ट सीन तो म्यूजिक को फॉलो करते करते ही है ये, माने फिल्म की शुरुआत में ही है कि नसीरुद्दीन शाह शबाना भी घर जाते हैं उस गाने को सुनते हुए उन तक पहुंच जाते हैं. सोर्स ऑफ द सॉन्ग एक चौराहा जैसा होता है सुनसान रास्ता और वो ऐसे आते हैं और ऐसे मूव कर जाते हैं फिर ऊपर चढ़ते हैं शबाना भी गा रही है. तो अब इसमें थ्रूआउट सीन देयर्स लाइक देयर्स नो डायलॉग, उसमें सिर्फ जस्ट शबाना मैम सिंगिंग एंड उनके जो गाने के लिरिक्स हैं दे आर वेरी रिफ्लेक्टिव ऑफ की व्हाटएवर शी इज हर कैरेक्टर इज गोइंग थ्रू. कनु रॉय का म्यूजिक, कनु रॉय का म्यूजिक था उसमें, वनराज भाटिया कनु रॉय. हां इन्हीं लोगों का म्यूजिक देते थे ना उस समय. हां व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज कि वो पर्टिकुलर सीन जो है ना एक तरह का एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देता है दोनों में, जबकि फिर थ्रू आउट द फिल्म एग्जैक्टली इट गोस ऑन. बिल्कुल. सो can that be an example of missing scene? That's all I want to ask. ये जो चीज आपने बताया उसमें हमारे यहाँ सिनेमा में ये सब एलिमेंट है ना, कलर, साउंड, एक्टिंग, म्यूजिक. तो जहां पर हमको वर्ड की जरूरत नहीं है उसको जहां पर म्यूजिक लाएंगे. इसको इस बात को समझने के लिए नोट्स ऑन सिनेमेटोग्राफिक किताब है रॉबर्ट ब्रेसों की, उसमें ये बात पहले कही गई, फिर सही परंजपे ने इसको पढ़ा है और फिर इसको यूज किया है. उसमें कहा गया है जहां पर आपको वर्ड की जरूरत नहीं है वहां पर साउंड की यूज करिए, जहां पर डायलॉग की जरूरत नहीं है वहां लाइट का यूज करिए, कोई कलर की यूज करिए, कलर की भूमिका है, और जहां पर साउंड की जरूरत नहीं है वहां पर डायलॉग की यूज करिए, वर्ड की यूज करिए. तो वहां पर डायलॉग की जरूरत नहीं थी, उन्होंने म्यूजिक का यूज किया अकॉर्डिंग टू ब्रेसों. ये ब्रेसों स्कूल है और उनकी किताब जो है एक तो नोट्स ऑन सिनेमेटोग्राफ बहुत ही पतली सी किताब है, स्लिम बुक, उसमें ये बात साफ लिखी हुई है. प्लस मिसिसिपी यूनिवर्सिटी ने ब्रेसों के साथ इंटरव्यूज का एक हार्ड बाउंड इंटरव्यू कलेक्शन निकाला है, उसमें भी ये सब बातें बहुत डिटेल में समझाई गई हैं, है ना. तो सही परंजपे जी से मेरी इस पर बात भी हुई है, मैंने समझा था ये वो जो शॉट है जो नसीर साहब आ रहे हैं और घूमते हुए चले जाते हैं उनके पास, ये शायद पुणे का होगा, लॉ कॉलेज रोड का. लेकिन हम अभी मिले थे जुहू में जो इस्कॉन के पास एक कैफ़े है वहाँ हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे, तो उन्होंने बताया ये दिल्ली का शॉट है, जबकि हम इसको वो क्योंकि उसका इतना साफ सुथरा सुंदर रोड दिल्ली में नहीं दिखता है, तो उन्होंने बताया कि पूरा शॉट दिल्ली का है. और हम लोग अभी भी 2020 में हम लोग मिले थे और उन्होंने इसको और भी चीज़ें हमने उनसे बात की चीज़ों की स्पर्श के बारे में, क्योंकि कनु रॉय पहले एक्टर थे फिर म्यूजिशियन थे. आपने अगर बासु भट्टाचार्य की फिल्म देखी होगी आविष्कार अनुभव, तो कनु रॉय का म्यूजिक है वो, इसमें को प्रोड्यूसर भी थे बासु भट्टाचार्य स्पर्श में और कनु रॉय हैं, तो कनु रॉय का म्यूजिक आपको बिल्कुल अलग लगेगा. तो हम लोग इस पर भी बात किए थे और ये मुझे उन्हीं से पता चला कि वो पुणे का लॉ कॉलेज रोड नहीं है, बॉम्बे भी नहीं, वो दिल्ली का शॉट है और वो शॉट सबको अच्छा लगता है. लेकिन ये क्लासिक सिनेमा में ऑलरेडी हो चुका है, मतलब मैंने ब्रेसों की अगर नोट्स ऑफ सिनेमेटोग्राफ पढ़ी है तो होता है. थैंक यू सो मच, अच्छा लगा कि आप इतना इन्वॉल्व हैं. आप क्या करती हैं? I'm a student MSc की first year master's की student हूँ मैं. अच्छा, फिल्मों में रुचि है आपकी? हाँ जी. हाँ, तो आप क्या करना चाहती हैं, मतलब राइटिंग करना चाहती हैं, फिल्म बनाना चाहती हैं, कैमरा करना चाहती हैं, क्या? I think it would be writing. राइटर, वेरी गुड. तो आपने जो फिल्म मेकर्स और फिल्मों का नाम मैंने लिया उनमें से कुछ देखी है? नहीं. आप आज ही पर्सोना देखिए और कल क्राइज एंड विस्पर्स देखिए और फिर वो जो चेम्बर फिल्म्स मैंने बताई बर्डमैन की, फिर और फिल्में भी देखिएगा, डबल लाइफ ऑफ वेरोनी वगैरह देखिए, आप एकदम दूसरी दुनिया से शुरू ही होंगी. गुड इवनिंग सर. And he might convey all your doubts to Gautam Chatterjee, sir. So, sir, if you don't have any problem, is it fine with you? Yeah, yeah. I have already finished myself.
So let's go forward to the word of thanks for today. I wish everyone a perfect afternoon. It has been an honor bestowed upon me to propose the word of thanks on today's extraordinary occasion. On behalf of the University of Mumbai's Department of Communication and Journalism, I would like to thank our guest, Mr. Gautam Chatterjee, sir, who graced today's session and gave us his valuable time and made it like to end today's session here. Special thanks to Mr. Prasad, sir, as well, and all the students present here in this session for making this lecture possible. Thank you and have a great day, all of you. Thank you so much. Thank you so much, sir. Department, university, all students, all professors. Thank you so much. Thank you, Gautam sir. This is Prasad Thakur, Professor, Department of Communication and Journalism. Yes. बहुत ही शानदार लेक्चर रहा. मुझे लगता है कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से लेके फिल्म हिस्ट्री और फिल्म हिस्ट्री से लेके कंटेम्प्रेरी सिनेमा, उसके डिफरेंशिएशन क्लासिक सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा और उसकी जितनी भी बारीकियां जो फिल्म की आपने बताई, वो बहुत ही खूबसूरती से, आसान तरीके से, आसानी से बताई. मुझे लगता है सब स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे पूरे लेक्चर्स में, इसलिए मैंने किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया. एंड तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि और भी क्वेश्चंस आए, बट यार टाइम कम है इसलिए, या फिर मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपके और भी लेक्चर हमें मिले, ताकि स्टूडेंट्स और भी सिनेमा के बारे में, सिनेमा के और पहलुओं के बारे में, फिल्म मेकर्स क्रिटिक्स के बारे में जाने. और जिस तरह से आपका लेक्चर हुआ, बिल्कुल ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की रुचि यहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स मास मीडिया, सभी स्टूडेंट्स मास मीडिया के बहुत सारे अलग अलग मीडियाज में जाना चाहते, बट कहीं ना कहीं जो प्रिंट मीडिया या टेलीविजन या और मीडियाज में जाना चाहते, डिजिटल मीडियाज में, वो जरूर कहीं ना कहीं तो फिल्म के लिए भी प्रेरित हो रहे होंगे, हो गए होंगे. और चाहूंगा कि आपके लेक्चर्स हमें इस तरह से मिले, ताकि हम फिल्म को एक अलग नजरिए से देखें, सिर्फ एक कमर्शियल नहीं, बट वो एक आर्क है, जिसे आपने कहा कि एक पोएट्री है, उस तरीके से हम फिल्म को समझे, बनाए और कंट्रीब्यूशन करें. इस तरह से हम स्टूडेंट्स को अपने जिस तरह से प्रेरित किया, बहुत ही अच्छा लगा. आप यहाँ पे आए, आपने लेक्चर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया. अविरत थैंक्स फॉर ओवरऑल इंट्रोडक्शन एंड वोट ऑफ थैंक्स और ओवरऑल ऑर्गेनाइजिंग टीम टू कंडक्ट सच अ नाइस लेक्चर. थैंक यू सो मच सर. मैं आपके कॉन्टेक्ट में आऊंगा और चाहूंगा कि और भी लेक्चर्स हो, पांडे सर से मैं जरूर इसके बारे में बात करूंगा. यस सर, हम चाहेंगे आप जरूर मुंबई यूनिवर्सिटी में आए. और मैं आ चुका हूँ, उसके पहले इंग्लिश डिपार्टमेंट में मैं आया था, और वेस्टर्न इंपैक्ट ऑन ड्रामा, और कई बार मैं अलग अलग वहाँ गेस्ट हाउस में रहा हूँ, कई बार अलग अलग लेक्चर्स दे चुका हूँ. गुड इवनिंग सभी को. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.